press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है अविनेश रेखी और मैं एक किरदार निभा रहा हूँ छोटी सरदारनी में सरबजीत सिंह गिल का जी। बेसिकली मेरा जो किरदार है वो एक पॉलिटिशियन का है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और इनके एक पार्टी है जिसका नाम है पंजाब दल और वो एक सिंगल पेरेंट हैं और उनकी वाइफ नहीं है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है परमजीत सिंह गिल और उनकी एक बहन है जिसका नाम है हरलीन कौर। सो ये उनकी फैमिली है और आगे कैसे इनकी जर्नी एडवांस होती है वो शो देखेंगे तो पता लगेगा जी। एक्चुअली अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो उसके लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था बिकॉज मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ, मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो लैंग्वेज बहुत ही ईजिली आ रही थी और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन में भी मुझे टफ नहीं हुआ। सो आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग इन द बिगिनिंग वॉज के पगड़ी बांधना और उसको एक सही शेप एक सिलेक्ट करके अपने ऊपर रखना, क्योंकि बिकॉज आई थिंक टर्बन इज़ द जो पगड़ी है वो मेन एक पहचान होती है सरदार की, तो वो अगर वो अच्छी तरह टाई की जाए तो आई थिंक दैट मेक्स द होल पर्सनैलिटी। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, मैंने खुद भी ट्राई किया सीखना, मैंने 2-3 महीने लगाए हैं, अब आई थिंक थोड़ी अच्छी आने लगी है पगड़ी। बट देयर इज अ गाय ऑल्सो जिसका नाम है जस्सी जो मेरी पगड़ी बांधता है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम जस्ट लाइक सरबजीत सिंह गिल, आई एम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो ज़्यादा ना बोलता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं एक कोकून में रहना पसंद करता हूँ, आई डोंट गो बियॉन्ड दैट। मुझे बहुत ज़्यादा खुल के ऐसे बहुत जल्दी मैं दोस्त नहीं बना पाता, आई टेक टाइम। देर आर सो मेनी बिग एग्जाम्पल्स लाइक दिलजीत दोसांझ जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना इतना नाम बनाया है, वहाँ पर गए हैं। बादशाह के लोलो, ही इज़ ऑल्सो फ्राम पंजाब, उन्होंने भी टर्बन नहीं पहनते हैं बट ही इज़ फ्राम दिस स्टेट ओनली, वॉज अ पंजाबी म्यूज़िक डायरेक्टर, ही वेंट ओवर देयर और उन्होंने भी अपना नाम बनाया है। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ये अपने आप को ये वाली पहचान देने की और ऑडियंस के सामने लाने की एज अ लीड, जो कि अपने आप में आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स अ न्यू स्टीरियोटाइप व्हिच आई एम सेटिंग अप इन द इंडस्ट्री, क्योंकि हिंदी टीवी इंडस्ट्री में पहली बार कोई टर्बनेटेड टर्बन क्लैड लीड प्ले कर रहा है विच इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी प्राउड थिंग टू डू आई थिंक। मैं हर तरह के गाने सुन लेता हूँ, इट्स नॉट कोई स्पेसिफिक ऐसी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश पंजाबी हिंदी तीनों गाने पसंद करता हूँ। और नॉर्मली मेरी जो हॉबीज़ हैं वो बुक रीडिंग है, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ और एक जिम काफ़ी जाता हूँ, फिटनेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को हर तरह की मूवीज़ देखना पसंद है कि मेरे को पता लगे कि डिफरेंट वर्क कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हु न्यू डायरेक्टर्स आर इन द इंडस्ट्री, कौन कौन कहाँ से कैसी फिल्में बना रहा है, वो इंटरनेशनल सिनेमा भी हो सकता है, काफ़ी ऐसी चाइनीज़ फिल्म भी हैं जो मुझे पसंद हैं। वेब सीरीज़ और टी वी सीरीज़ को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वेब सीरीज़ एक डिफरेंट मीडियम है, आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि देर आर डिफरेंट कैटेगरीज विच आर कमिंग अप, तो लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट का जो बेस है वो वास्ट हो रहा है और आई थिंक आजकल जो हमारा डिजिटल मीडियम है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और जो रीच भी है उसकी वो भी बढ़ रही है बिकॉज लोगों के पास मोबाइल हैं जो कि स्मार्ट मोबाइल्स हैं जिसमें सारी एप्लीकेशन हैं आजकल, सो वहाँ से लोग ईजिली उसको स्ट्रीम कर लेते हैं एंड इंटरनेट इज़ ऑल्सो वेरी चीप दीज डेज। टीवी सीरियल्स के अंदर आपको क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स उसको पीछे छोड़ पाएगा या नेटफ्लिक्स आगे जाएगा? मतलब आपको नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक टीवी ऑडियंस जो है आई थिंक इट्स पीपल्स परसेप्शन, ऐसे कुछ नहीं है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जो टीवी की ऑडियंस है वो भी काफ़ी वास्ट है, वो भी बहुत है अभी, जो टीवी के लॉयल ऑडियंस हैं वो टीवी देखते ही देखते हैं, चाहे उनको वेब सीरीज़ की अवेलेबिलिटी है बट स्टिल दे वॉन्ट दे लाइक दो स्टोरीज विच आर लॉन्ग टर्म एंड विच हैज़ लॉट ऑफ डिटेल्स इन टू इट। See, I'm an actor. I don't mind anything, whether it's TV, films, or web series. My job is just to act and entertain the audience. So whichever medium easily comes to me and is, you know, giving me a different content and a different character to work upon,
आई वुड डेफिनेटली डू दैट. नहीं, मैं अपने मम्मी का फेवरेट नहीं हूँ. मेरे जो मेरे बड़े भाई हैं जो मुझसे एक साल बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो उनके फेवरेट हैं. फ्रॉम चंडीगढ़ बैकग्राउंड, सो एनी मैसेज फॉर द यंगस्टर्स? या आई वुड से दैट इफ यू आर प्लानिंग टू कम इनटू द इंडस्ट्री एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू द इंडस्ट्री, देन यू बी प्रिपेयर्ड, गिव योर सेल्फ अ गुड एजुकेशन इन द बिगिनिंग एंड देन कम ओवर देयर एंड ट्राई योर लक. आई थिंक यू विल गेट थ्रू. Hi for YouTube viewers, please keep watching Choti Sardarni and like and subscribe this channel because it's really interesting.